दोस्तों, BSF हवलदार मंत्रालय स्किल टेस्ट में हिंदी चयन करने वाले स्टूडेंट इस वीडियो के माध्यम से आप BSF हवलदार मंत्रालय HC मिनिस्ट्रियल पद के लिए मांगी जाने वाली हिंदी टाइपिंग कोर्स मंगल इनस्क्रिप्ट फॉन्ट पर बिल्कुल शुरुआत से टाइपिंग करना सीखेंगे। टाइपिंग लर्निंग हेतु आवश्यक टाइपिंग लर्निंग ई बुक एवं अभ्यास करने के लिए ई बुक का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप वहां से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। यह टाइपिंग कोर्स बिल्कुल फ्री है। अगर किसी प्रकार का कोई संदेह या कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न डाल दें, आपको रिप्लाई दे दिया जाएगा। विशेष निवेदन, इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक कर दें और हमें मोटिवेट करने के लिए कमेंट जरूर करें। चलिए, ये आपने नोट कर लिया, ठीक है। इसके बाद चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आप इसके नीचे वाली गाइडलाइन हो गई, गाइडलाइन के ऊपर हो गई। अब गाइडलाइन के जो नीचे वाली लाइन है ये ZXCVB वाली, ठीक है। अब इस लाइन की प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन हाथ आपके वहीं रहेंगे जैसा मैंने कि एक्सरसाइज 1 पहले दिन बताया था। इस तरीके से हाथ हमेशा उठा के रखने, हाथों को टेकना नहीं है इस तरीके से, ठीक है। ये इस तरीके से हाथ रहेंगे। अब हाथ आपके यहीं से आएंगे तो आपको जेड इसमें नहीं टाइप करना है, जेड पे आपका कुछ भी वर्ड नहीं बनेगा, समझ गए। आपको मैं दिखा रहा हूं फिर से, ठीक है। जेड पे आपका कोई भी वर्ड नहीं बनेगा, देख लीजिए कुछ भी नहीं बना। स्क्रीन पे देखिए, आपको यहीं पे हाथ रखना है। इस पे यहां से उंगली आएगी आपकी, एक्स टाइप करेगी, सी टाइप करेगी, वी टाइप करेगी, बी टाइप करेगी, ठीक है। इस उंगली से केवल बी तक ही टाइपिंग होगी, समझ गए। इस उंगली से कहां तक होगी, बी तक। ये वर्ड हो गई, आप स्क्रीन पे देखिए टाइपिंग, समझ गए। अब इससे आपका ये बनेगा, ठीक है, ये और इससे एंटर, समझ गए। ये इस तरीके से हाथ रखा जाएगा। ये हाथ की पोजीशन आप ध्यान से देख लीजिए, यही हाथ वापस टाइपिंग करके वहीं जाएगा, अपनी गाइडलाइन पे जाएगा, ठीक है। हाथ समझ लीजिए, ये वाली उंगली एन तक आएगी और ये वाली बी तक आएगी। यहाँ इसकी सीमा यहां तक है और इसकी सीमा एन तक है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। नहीं तो इसको प्रेस करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इससे कोई लेटर नहीं बनेगा आपका, इससे जेड से एक्स से बनेगा, ठीक है। ये हो गया सी, इस तरीके से इस उंगली से दो लेटर प्रेस होंगे, इस उंगली से एक प्रेस होगा, इससे कुछ भी प्रेस नहीं होगा, समझ गए। हाथों की पोजीशन आप देखिए, ठीक है, और स्क्रीन पे मेटा देखिए कैसे टाइप हो रहा है, ठीक है। सॉरी, हाँ, टाइपिंग करने के बाद वहीं आपकी गाइडलाइन पे जाएंगे। हाथों को ध्यान से देखिएगा, आप इस वीडियो को कम से कम 2-3 बार प्ले करके देख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद ही टाइपिंग स्टार्ट कीजिएगा, वीडियो के साथ साथ में टाइपिंग मत कीजिएगा। फिर जहाँ पे डाउट लगे अभ्यास वाइज, तब वहाँ पे आप देख लीजिएगा जब चीज़ें समझ में ना आए। ठीक है, मैं आपको बताने के चक्कर में मेरे हाथ इधर उधर मिस हो जाते हैं, ठीक है। इसको नशा में ना लीजिएगा, ये आपका इस तरीके से मैटर एक्सरसाइज टाइपिंग होगी, ठीक है। आप स्क्रीन पे देख लीजिए, ठीक है, इस तरीके से आपकी ये वर्ड आपके स्क्रीन पे टाइप होने चाहिए, है ना। उंगलियां आपको मैंने बता दी, हाथ आपका टाइपिंग करने के बाद वापस यहीं जाएगा। यहाँ पे विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होती है कि आपका हाथ यहीं ना सेट हो जाए। कुछ लोग, क्योंकि आपको देखने सुनने वाला कोई नहीं होता है, आपका हाथ सेट होने की पूरी पूरी संभावना होती है, ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखें, टाइपिंग करने के बाद हाथ यहीं जाएगा, वापस यहाँ से आएगा, ठीक है। ऐसे हाथ मेरे देखिए, ठीक है, समझ गया। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब ये एक्सरसाइज आपकी प्रैक्टिस हो गई, अभ्यास, ठीक है। अब इसके अभ्यास को प्रैक्टिस करने के बाद मैं आपको फिर शब्द बता देता हूं कि आपको कौन से शब्दों की प्रैक्टिस करनी है। ये देखिए आपकी स्क्रीन पे होंगे ये सारे शब्द, आप इन सभी शब्दों को नोट कर लेंगे। नोट करने के बाद प्रैक्टिस करने का तरीका, प्रत्येक शब्द को 5 पेज में,
इसके बाद जब एक लाइन के वर्ड कंप्लीट हो जाए तो एक लाइन को दो पेज टाइप करना है, फिर से नेक्स्ट लाइन के शब्दों को प्रत्येक शब्द को पांच पेज टाइप करना है। जैसे जाए लिखा है तो जाए 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 जाए, इस तरीके से पांच शब्द में जाए जाए नजर आएगा, इस तरीके से पांच शब्द में चाय चाय नजर आएगा, पांच शब्द में चार नजर आएगा, ऐसे ही काज पांच शब्द पेज टाइप करना है। ठीक है, ये इस तरीके से प्रत्येक शब्द को आपको कर लेना है और प्रत्येक लाइन को दो दो पेज टाइप कर लेना है। इस तरीके से जब तक यहाँ तक आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट ना हो जाए आगे ना बढ़ें। ठीक है, जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ उस तरीके से आपको टाइपिंग करनी है, इसमें आपको अपना दिमाग बिल्कुल भी नहीं लगाना भैया, समझ गए। ये यहाँ तक आप जब टाइपिंग कर लेंगे तो आपको इन तीन रो में जितने भी वर्ड आए हैं विदाउट शिफ्ट वो आपको नॉलेज में आपकी आ गए होंगे और आपकी प्रैक्टिस में हो चुके होंगे। अभी तक मैंने जितने भी वर्ड आपको प्रैक्टिस करने के लिए बताए हैं लेटर, वो सभी विदाउट शिफ्ट बताए हैं। अब आगे चल के अभी एक रो और बची हुई है, ये नंबर वाली की। इस नंबर की प्रैक्टिस करने के बाद आपको शिफ्ट के साथ में जितने लेटर आपने जितने की का प्रयोग विदाउट शिफ्ट किया है उतनी ही बार आपको शिफ्ट के साथ सभी की का प्रयोग करना होगा। हिंदी टाइपिंग इसीलिए थोड़ी टफ होती है क्योंकि इंग्लिश अल्फाबेट 26 होते हैं, इसके जस्ट डबल हिंदी में हो जाते हैं, तो डबल इंग्लिश का डबल करना है तो शिफ्ट के साथ भी कुछ वर्ड बनते हैं, समझ गए। मात्राएं बनती हैं, कुछ स्पेशल वर्ड होते हैं, छात्रा ग्या, ठीक है ना, ए औ, समझे। और कुर्ती देव से मंगल इन स्क्रिप्ट लेआउट बहुत ही आसान है। कुर्ती देव में तो बहुत ज्यादा समय लगता है, उससे इसमें 1/3 ही समय लगेगा, ठीक है, और स्पीड भी बहुत जल्दी इसमें आ जाएगी आपकी। अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे तो ये मान लीजिए विद इन 1 month आपकी 25-30 की स्पीड निकालने लगेगी। टाइपिंग में देखिए एकाग्रता बहुत मायने रखती है। अगर आप के मन में एकाग्रता नहीं है, आपका टाइपिंग में मन नहीं रख रहा, जबरदस्ती कर रहे हो या आप ध्यान से टाइपिंग नहीं कर रहे हो तो गलतियां होने लगती हैं। टाइपिंग तभी तक करनी चाहिए जब तक आपका मन लगे। मन लगना बंद हो जाए, थक जाए, आंखों में जलन होने लगे तो आप टाइपिंग करके बंद कर दीजिए। फिर इसके बाद रिलैक्स होकर थोड़ी देर बाद आंखों में छींटे विटे मारने के बाद फिर आके बैठिए और एक टाइम में 45 मिनट से ज़्यादा टाइपिंग मत कीजिए, समझिए, जबरदस्ती मत कीजिए टाइपिंग के साथ, तो ज्यादा मन लगेगा, है ना। यहां तक आपने इस लेटर को, इन सभी शब्दों को आप नोट कर लीजिएगा जो स्क्रीन पर दिख रहे हैं। इन सभी शब्दों को नोट करने के बाद में आपको क्या करना है, अब आगे की जो रो है ये वाली, उसकी आपको प्रैक्टिस करनी। दोस्तों मैंने पूरी डिटेल में आपको समझाने का प्रयास किया है, फिर भी यदि कोई डाउट रह गया हो या फिर टाइपिंग करने में कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो कमेंट कर सकते हैं, आपको जवाब दे दिया जाएगा। और साथ ही यदि आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में मंगल इनस्क्रिप्ट फॉन्ट या रेमिंगटन गेल या रेमिंगटन सीबीआई फॉन्ट नहीं है तो कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको मंगल फॉन्ट डाउनलोड करने से लेकर इंस्टॉल करने और सभी सेटिंग से रिलेटेड कंप्लीट वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। साथ ही आपको याद दिलाना चाहूंगा कि यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक लाइक ही मुझे इसी तरह के और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें।